नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है लोमड़ी और कौवा। तो चलिए सुनते हैं। एक समय एक लड़का रोटी खा रहा था कि एक कौवा उड़कर कहीं से आया और लड़के के हाथ से रोटी का टुकड़ा झपटकर तेजी से एक वृक्ष के ऊपर जा बैठा और मजे से रोटी खाने लगा। तभी एक लोमड़ी आई और उसने कौवे से रोटी लेने की योजना के बारे में सोचा। उसने कौवे को अच्छे दिन की शुभकामना दी, लेकिन कौवे ने रोटी के टुकड़ा का नीचे गिरने के डर से अपना मुंह नहीं खोला। लोमड़ी ने फिर कहा, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम्हें सभी पक्षियों का राजा बनाया जाना चाहिए था। कृपया मेरे लिए अपनी मधुर आवाज में एक गीत गाओ। अपनी तारीफ सुनकर कौवा खुद को रोक नहीं पाया और जवाब दिया, धन्यवाद। लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर गया। चतुर लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और भाग गई। चालाक लोमड़ी ने जाते जाते कहा, प्यारे कौवे, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है पर बुद्धि नहीं है। तो बच्चों, हमें यह कहानी से शिक्षा मिलती है कि झूठी प्रशंसा करने वालों से बचे। धन्यवाद।